ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा के आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित उनके पूज्य पिता और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी, मान्य विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री फतेह बहादुर सिंह जी, मान्य सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, विधायक खजनी श्री संत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, हिंद्रिया वाहिनी के प्रदेश के महामंत्री श्री पी के मल जी, रामपाल सिंह जी, श्रीवणेश साही जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, प्रबंधक वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनई श्रीमती अंशु सिंह जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से जितेंद्र बहादुर सिंह जी, विक्रम बहादुर सिंह जी, आयुष कुमार सिंह जी, विधायक श्री शीतल पांडे जी, हनुमान सिंह बघेल जी, अश्वनी त्रिपाठी जी और स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू बाबू के मित्रगण, शुभचिंतक गण, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की विरासत को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले इस संस्था से जुड़े हुए सभी, प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित इस क्षेत्र के भाइयों बहनों, मैं स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह गुड्डू बाबू की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति की स्थापना के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तृतीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम उनके प्रति इस क्षेत्र के आम जन के मन में जो सम्मान का भाव था, समाज के प्रति उनकी संवेदना और सहृदयता का ये प्रमाण आज यहाँ पर उमड़ा हुआ जन सैलाब है। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की नींव को रखने वाले और सदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकसित था, आजादी के बाद इस पर जो विकसित ध्यान दिया जाना चाहिए था, किन्हीं कारणों से
इसकी जो उपेक्षा होती थी उस उपेक्षा को दूर करने का प्रयास जिस महापुरुष ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था वह नाम था स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में अपने एक शानदार पारी खेलते समय असामयिक मृत्यु उनकी होने से यहां का विकास का पहिया थमसा गया। लेकिन स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की उस विरासत को उनके समय में और उनके बाद में उनके छोटे भाई ने और स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के तीनों पुत्रों ने जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया वह वास्तव में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के प्रति इस परिवार का और उनके शुभचिंतकों का एक विनम्र श्रद्धांजलि है। विकास की एक ऐसी सोच जो बिना भेदभाव के सब तक पहुंचे और वास्तव में विकास का कोई दूसरा विकल्प हो भी नहीं सकता है। विकास तो सबको चाहिए, क्या अमीर क्या गरीब, क्या बुजुर्ग क्या बालक, क्या महिला क्या पुरुष, सब तक विकास की योजना का लाभ पहुंचे, सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें और उसके माध्यम से अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकें, इस दृष्टि से विकास आवश्यक है और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने आगे बढ़ाया और अपने बड़े पिता के उन सपनों को इस क्षेत्र में साकार करने का कार्य सही मायने में किसी ने किया था तो श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह गुड्डू बाबू ने किया था, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे वह एक खजनी विकास खंड के अंदर हो चाहे लखनऊ में हो, हर एक संस्था को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के नाम पर समर्पित करते हुए उन्होंने इन संस्थाओं की यहां पर स्थापना की। यहां पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा, बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के संस्थानों को खोलने की व्यवस्था करके बालक और बालिकाओं के लिए उत्तम केंद्र की स्थापना, शिक्षा के अच्छे केंद्र की स्थापना करने का कार्य किया। आज यही कारण है कि उनकी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम करते हुए उनके इस कृतित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा आज जब उनकी मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के साथ ही गरीबों को कंबल वितरण के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा रहा है, यही अपने प्रियजन के प्रति अपने किसी उस सहृदय से जुड़े हुए उस प्रियजन के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है कि हम उनके कार्यों को उनकी भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ा सके। ये उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक कार्य है कि जो लोग कल्याणकारी कार्यक्रम, शिक्षा के माध्यम से जन चेतना को जागरूक करने का कार्यक्रम इस क्षेत्र में स्वर्गीय गुड्डू बाबू ने आगे बढ़ाया था, आज वह कार्यक्रम अनवरत रूप से उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यह सचमुच जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की असामयिक मृत्यु हुई थी और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ा वज्राघात था, लोगों के सामने
स्वयं भी एक चैलेंज था कि वास्तव में कल तक यहाँ के विकास के बारे में सोच रखने वाला व्यक्ति अचानक कैसे असामयिक रूप से हमारे बीच से उठ करके चला गया। और उस विषम परिस्थितियों में श्री गुलाब सिंह जी ने उन सभी स्वजनों को, शुभचिंतकों को और स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के प्रति अनुराग रखने वाले उनके प्रति शुभचिंतक की भूमिका में रहने वाले उनके समर्थकों को उस समय जो संबल दिया, श्री गुलाब सिंह जी बहुत सहज सरल हृदय के व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि वो जिस भी पार्टी में रहे हो, मैं देखता था कांग्रेस पार्टी से वे जिला पंचायत जिला परिषद के अध्यक्ष थे, अविभाजित गोरखपुर में, गोरखपुर महाराजगंज उस समय एक ही था, लेकिन उनका गोरख स्पीड के साथ आना जाना लगातार बना रहा। कभी कोई ऐसा अवसर मैंने नहीं देखा कि जब, और पूरी सहजता सरलता के साथ, जो आज भी सरलता उनके अंदर है, यही सरलता यही सहजता उस समय भी देखने को मिलती थी। मैं बहुत बार पूछता था कि कैसे आना हुआ बताएं, कहा नहीं भाई ऐसे दर्शन करने के लिए आया हूं, महाराज जी से मिलने के लिए आया हूं, कोई कार्य नहीं, लेकिन आते थे मुलाकात करके प्रणाम करके फिर चले जाते थे। और आज भी मैं देखता हूं कि जो बात 30 वर्ष पहले थी वही सहजता वही सरलता उनमें आज भी रसी बसी है, और वही सहजता सरलता उनके पुत्र श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह गुड्डू बाबू के अंदर भी देखने को मिली थी। ये वास्तव में विरासत के गुण, जिन्होंने संपत्ति भी प्राप्त की, समृद्धि भी प्राप्त की, लेकिन उस संपत्ति और समृद्धि को कभी भी अहंकार का माध्यम नहीं बनने दिया, अपनी सहजता और सरलता को कभी नहीं छोड़ा, और वह विरासत आज भी उस रूप में आगे जा रही है। यह तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह गुड्डू बाबू के प्रति जब उनकी मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, जिन संस्थाओं की स्थापना उन्होंने स्वयं की, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के, अपने बड़े पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, क्योंकि ये जितना भी कुछ है स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का था, और उनके मार्गदर्शन में उनकी कृपा और अनुकंपा से कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव यही होता है कि वे जब न रहे तो हम उनको उस रूप में स्मरण कर सकें जिस रूप में स्मरण किया जाना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुरूप उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, पब्लिक स्कूल की स्थापना हो, महिला महाविद्यालय की स्थापना का हो, बीटीसी कॉलेज की स्थापना का हो, या फिर अन्य तमाम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से अपनी समृद्ध परंपरा को स्मरण कराने के भाव को अंगीकार करने का हो, वह इस परिवार ने सदैव उस भाव को निभाया। आज भले ही गुड्डू बाबू हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके द्वारा स्थापित ये संस्थाएं उनके स्मरण को नित निरंतर हम सबको स्मरण कराती हैं, और सदैव जिस नियो को उन्होंने रखा था कि दक्षिणांचल का ये क्षेत्र भी जो उपेक्षित था, विकास की दृष्टि जहां पर नहीं पड़ पाई थी, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के कारण जिस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास प्रारंभ हुए थे, खजनी में तहसील बनी थी, लेकिन उनके असामयिक मृत्यु के कारण विकास का पहिया थमसा गया था, आज उस विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस समय जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, आज उसी श्रृंखला को वर्तमान सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं जब गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र की बात देखता था,
तो मुझे लगता था कि गोरखपुर के उत्तरांचल में तो विकास किन्हीं कारणों से पहुंचा है, क्योंकि उत्तरांचल में मैं देखता था कि उत्तरांचल में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का कर्म क्षेत्र स्वयं पनेरा विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन दक्षिणांचल में जब उन्होंने विकास खंड बनाया, जब उन्होंने तहसील बनाई, लेकिन असामयिक मृत्यु के बाद जो कार्यक्रम थे वे थम से गए थे। और भाइयों बहनों, आज जब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण करते हैं और उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का एक लिंक एक्सप्रेस वे हम लोग गोरखपुर के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ये पूरा क्षेत्र उससे कवर होता हुआ दिखाई देता है। ये पूरा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो, यहां पर भी विकास की आस लगाए हुए लोगों तक विकास आसानी से पहुंचे, यहां के युवाओं को पलायन न करना पड़े, बल्कि घर में बैठकर के शिक्षण प्रशिक्षण की इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो ही, ये तो घर में बैठ करके उन्हें घर में ही अच्छा प्रशिक्षण और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन प्रशिक्षण और शिक्षा के बाद उनके लिए नौकरी और रोजगार भी यहीं पर घर में बैठे बैठे उपलब्ध हो सके, इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक गोरखपुर के साथ जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये फोर लेन का जो मार्ग बनेगा, इसके दोनों ओर जब औद्योगिक गलियारा बनेगा तो अनेक फैक्ट्रियां आएंगी, अनेक उद्योग आएंगे, और इन उद्योगों के साथ आएगा नौकरी और रोजगार, जो स्थानीय नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी देकर के खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। विकास की इसी प्रक्रिया को जो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी चाहते थे, ये दक्षिणांचल का भी विकास हो, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में धुलियापार में बायोफ्यूल की एक नई यूनिट स्थापित करने की दिशा में उसका शिलान्यास का कार्यक्रम इंडियन ऑयल की ओर से कराया है। ये बायोफ्यूल कहीं और से नहीं बनेगा, ये जो पराली है, खेतों का जो वेस्ट है, इसको जलाने की बजाय अगर हम उस फैक्ट्री तक पहुंचाने का कार्य करेंगे तो इससे किसान को अतिरिक्त आमदनी भी होगी और साथ साथ धरती माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, इन बीमारियों का कारण क्या है? श्वास और दमे की बीमारी, जब पर्यावरण में पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से श्वास की बीमारी होगी, दमे की बीमारी होगी, तपेदिक और यानी ट्यूबरक्लोसिस और अन्य तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। हम स्वयं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और दो प्रकार से कर रहे हैं, एक तो जब हम खेत में पराली जलाते हैं या खेत में खरपतवार पर आग लगाते हैं तो यह खेत की उर्वरता को भी नष्ट करता है, और साथ साथ खेत तो धरती माता की उर्वरता तो खत्म होती ही है, साथ साथ पर्यावरण की भी व्यापक क्षति होती है, और पर्यावरण की व्यापक क्षति के कारण जब असंतुलन पैदा होता है तो दमे की बीमारी होती है, श्वास की बीमारी होती है, फेफड़े खराब होते हैं, और भी तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त है, दिल्ली के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तो श्वास लेना लोगों के लिए दोबर हो गया है, यानी ये समस्याएं मनुष्य के द्वारा स्वयं की गई। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमें विकास के प्रति आग्रही होना चाहिए, लेकिन मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की कीमत पर नहीं। हम खेतों में पराली जलाना बंद करें, खेतों में खरपतवार जलाना बंद करें, अगर यही कार्य हम अगर खेत में एक और छोटा सा गड्ढा करके जितना भी पराली और जितना भी खरपतवार है उसको उसमें डाल दें, एक वर्ष के अंदर वही खरपतवार अच्छी कंपोस्ट बनेगी, उसी को खेत में आप डालेंगे तो जो धरती माता हमें पेट भरने का अन्न दे रही है वही धरती माता खेत में
कई गुना अन्न उत्पादन करने की क्षमता भी अर्जित करेगी और आपका फर्टिलाइजर और केमिकल का जो अतिरिक्त खर्चा है वह भी बचत होगा। हम उस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ करें। कोई भी ऐसा कार्य न करें, एक तरफ हम धरती को मां कहें और दूसरी तरफ उस मां के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। ये चीजें प्रकृति के साथ भी और परमात्मा के साथ भी हमारे द्वारा किया जाने वाला एक अन्याय होगा, ये कतई हम न होने दें। आज पूर्वांचल के साथ साथ गोरखपुर का दक्षिणांचल का क्षेत्र भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। राम जानकी मार्ग बन रहा है, आपने देखा होगा अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि से संबंधित अपना फैसला दिया है और 500 वर्षों से जो मामला लंबित था, जिसको जानबूझकर के लंबित छोड़ा गया था, 45 मिनट में इस समस्या का समाधान भी हुआ और समस्या के समाधान करने के साथ साथ हमेशा के लिए शांति और सौहार्द के लिए चुनौती बनी हुई एक समस्या हमेशा के लिए भी समाप्त हो गई। आप सबने जिस अभूतपूर्व समन्वय और संवाद का परिचय दिया प्रशासन के साथ मिलकर के, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज गोरखपुर विकास की प्रक्रिया के दौर से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग 2020 के अंत तक गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना भी बना करके तैयार कर देंगे और गोरखपुर में एम्स का निर्माण का कार्य भी पूरा हो जाएगा। यानी एम्स का निर्माण का मतलब गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानक एम्स जैसी संस्थाओं के माध्यम से ये उपलब्ध होना एक गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर देकर के गोरखपुर की वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का कार्य किया है। अब उपचार के लिए लखनऊ और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मैं बहुत बार देखता हूं गोरखपुर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि हमारे फलाने व्यक्ति को पीजीआई में भर्ती करना है, एम्स में भर्ती करना है। हम लोग बोलते हैं लेके आओ, जब तक वो लेके आते हैं आधे रास्ते में व्यक्ति दम तोड़ देता है, क्योंकि इसका भाव था। लेकिन जब एम्स 2020 के अंत तक बन करके तैयार होगा तो आप मान करके चलिए कि गोरखपुर भी कह सकता है कि देश के अंदर चुनिंदा शहर हैं जिनके पास एम्स जैसे संस्थान हैं, उनमें गोरखपुर भी एक होगा। फर्टिलाइजर 26 वर्ष पहले बंद हो गया था, पिछली सरकारों के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन गया था। हमने उस स्मारक को स्मारक ही नहीं बनने दिया, हमने उसको हटा करके उसके स्थान पर नया कारखाना लगाने का कार्य किया है। समय पर खाद और बीज किसानों को प्राप्त हो, किसान की कम लागत में अच्छा उत्पादन के खेतों में हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिले, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ही एक कार्यक्रम तैयार किए गए। आज गोरखपुर में गैस पाइपलाइन बिछ रही है, आपके यही बगल से ही होके जा रही है लाइनें। आप लोग भी अगर चाहेंगे आने वाले समय में तो जैसे घर घर में पाइप से पानी, पीने का पानी पहुंचाया जाता है, ऐसे ही रसोई गैस भी घर घर में पाइप से पहुंचाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। गोरखपुर महानगर में कार्य प्रारंभ होने वाला है और बाकी अन्य कस्बों में और गांवों में भी बहुत शीघ्र इस कार्य को हम आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज करने जा रहे हैं। विकास इस सब का आधार है। लेकिन साथ साथ आज गुड्डू बाबू की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों ने गरीबों के लिए कंबल की भी व्यवस्था की है। ये लोक कल्याण का कार्य है, सरकारें अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन समाज के मानिंद लोग जिनके पास साधन है, संपन्नता है, अपने परिवार के किसी सदस्य के स्मृति में वह इस पुण्य कार्य के साथ जुड़ रहा है,
ये व्यापक कल्याण का कार्यक्रम है। आज यहाँ पर कंबल वितरण का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन को भी हम लोगों ने पर्याप्त धनराशि भेजी है कि गरीब और जरूरतमंदों को इस सर्दी में कंबल अवश्य उपलब्ध कराने का कार्य करें। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के समय इस खजनी में कंबल कारखाना था, पिछली सरकारों ने बंद कर दिया, लेकिन हमने फिर से उस कंबल कारखाने को प्रारंभ किया है। और मैंने कहा एक कंबल कारखाने से ही जो कंबल लाओगे वही कंबल, प्रयास करें कि कंबल के लिए ऊन स्थानीय जो लोग भेड़ पालते हैं उन्हीं लोगों से खरीदा जाए। यानी एक तो भेड़ पालन का कार्य तेजी के साथ यहां पे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे जब मैं इस बात को कह रहा हूं मुझे लगता है कि रामपाल सिंह और ये लोग तो तत्काल भेड़ पालने का काम शुरू कर ही देंगे, क्योंकि ये भेड़ पालन का कार्य ऊन के लिए खसनी में ही कंबल कारखाना प्रारंभ हो चुका है पिछले वर्ष, और मैंने सुना है कि अच्छा कंबल वहां बन रहा है। और इन कंबलों, अच्छा मोटा कंबल गरीब को मिल जाएगा तो वह कंबल दो चार साल चल सकता, अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। यह कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाना चाहिए, कंबल वितरण का कार्यक्रम। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,80,00,000 बच्चों को हम लोग स्वेटर देने का कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों ने कहा है कि प्रयास होना चाहिए कि समय पर सभी बच्चों को स्वेटर उपलब्ध हो जाए। पहले नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने दिया। पहले बच्चों को जूते मोजे नहीं मिलते थे, हमारी सरकार में आने के बाद उन बच्चों को जूते मोजे भी देने प्रारंभ किए। पहले उनको यूनिफॉर्म समय पे नहीं मिल पाती थी और अच्छी यूनिफॉर्म नहीं मिलती थी, हमने भी उस यूनिफॉर्म को दिया। ये केवल इसलिए कि गरीब का बच्चा भी अच्छा यूनिफॉर्म पहने, अच्छा जूता मोजा पहने, अच्छी कॉपी किताब उसे प्राप्त हो और अच्छी स्वेटर और यूनिफॉर्म उसे प्राप्त हो, इसी भाव के साथ सरकार ने कदम उठाए। पेंशन की सुविधा, जो वृद्धजन हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, निराश्रित हैं, उनको अनिवार्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें निराश्रित महिला पेंशन अनिवार्य रूप से दिया जाए। जो दिव्यांग जन हैं उन्हें दिव्यांग पेंशन की व्यवस्था हो। हमने कहा ये बंद कर दो कि हमें इतना ही देना है, जो भी पात्रता की श्रेणी में आता है उसके लिए कोई बंधन नहीं, उसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं। इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर कन्या के जन्म लेने से लेकर के और उसके विवाह तक की गारंटी सरकार के स्तर पर दिया जाना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रत्येक कन्या के जन्म लेने के साथ उस कन्या के नाम पर धनराशि उपलब्ध कराना। कन्या 1 वर्ष की होगी तो उस कन्या को सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित करना, टीका लगाना उस पर, और टीका लगवाने के बाद जब सर्टिफिकेट आएगा तो सर्टिफिकेट के आधार पर फिर उस एक निश्चित राशि उस परिवार में उस कन्या के नाम पर जमा होना। जब वो कन्या 1 वर्ष की होगी, पहली क्लास में जाएगी, एडमिशन लेते ही उस कन्या के नाम पर धनराशि फिर जाएगी। 6ठी क्लास में जाएगी तो उसके नाम पर फिर भी हम पैसा भेजेंगे। जब 9वीं क्लास में जाएगी तो भी उसके नाम पर हम पैसा भेजेंगे, और जब वह डिप्लोमा या डिग्री का कोई कोर्स करेगी तो भी हम उसके नाम पर पैसा भेजेंगे। जन्म से लेकर के डिप्लोमा या डिग्री तक 15,000 की राशि कन्या के नाम पर सरकार देने जा रही है। और दूसरा, जब वह विवाह के योग्य होगी तो उसके विवाह के लिए 51,000 रुपए भी सरकार उन कन्याओं को देने जा रही है, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उसी का एक हिस्सा है। आज आप देख रहे होंगे गरीबों को बड़ी मात्रा में आवास मिल रहे हैं, विद्युत के कनेक्शन मिल रहे हैं, गरीबों के घर में शौचालय उपलब्ध करा करके उनके गौरव और सम्मान की रक्षा भी हो रही है। साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से तमाम प्रकार की बीमारियों से भी उन्हें छुड़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। बिना भेदभाव के योजनाएं दी जा रही हैं। ये शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक के चेहरे पर खुशहाली लाने का ही एक हिस्सा है। आज के इस अवसर पर
जब हम स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह गुड्डू बाबू की इस तृतीय पुण्यतिथि के कार्यक्रम के अवसर पर उनकी प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनके द्वारा स्थापित और जिस सेवा भाव के साथ उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की सेवा की थी, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी कर्मठता और सेवा भाव के साथ उन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किए थे, स्कूल, कॉलेजेज, प्रशिक्षण संस्थान और भी अन्य तमाम प्रकार के सेवा के प्रकल्पों के साथ जुड़ करके स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के सपनों को साकार करने की दिशा में जो प्रयास उन्होंने प्रारंभ किए थे, ये मूर्ति आज उनके उन सेवा भावों का एक मजबूत स्मारक के रूप में हम सबको निरंतर प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मैं आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस उनके द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं के जो भी प्रधानाचार्यगण होंगे, प्राचार्यगण होंगे या प्रबंध समिति से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी होंगे, उन सब से ये आग्रह करूंगा कि वे स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह गुड्डू बाबू की भावनाओं के अनुरूप इन संस्थाओं के विकास में अपना योगदान देते हुए उन जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करेंगे जिनके लिए स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उनकी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। और अब जिन 5 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री के कर कंबलों द्वारा कंबल दिया जाना है उनको कृपया लाए, 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष, जल्दी आ जाइए। महाराज जी का